नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त चेतन भोला और आप देख रहे हैं भोला मैकडे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा फ्यूल वेल के बारे में। मोस्टली ये देखने को मिलता है बाइक्स में, क्योंकि बाइक्स के फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे लगा होता है एक फ्यूल वेल, जिसकी वजह से आप उसको स्विच कर सकते हो या फिर रिजर्व की तरफ या फिर फ्यूल टैंक की तरफ। मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, उधर ही आप फ्यूल को ऑफ भी कर सकते हो। और आजकल तो उसमें लॉक भी आने लगा है कि आप फ्यूल को ऑफ करके ही बाइक छोड़े, क्योंकि फ्यूल भी चोरी हो जाता है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक असली का फ्यूल वेल्व, अब इसको पूरा खोलेंगे और दिखाते कि ये कैसे काम, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा और इसके अंदर एक मैकेनिकल ब्यूटी भी दिखाऊंगा आपको। तो प्लीज़ देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अभी के अभी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे अंदर है ना, इसके अंदर थ्रेड्स कटे हुए जो कि जाके उसमें अंदर फिट हो जाते हैं फ्यूल के अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर। तो यहाँ पे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो होल बना हुआ है, इसके ऊपर लगी होती है एक पाइप जो कि जाके फ्यूल टैंक के कुछ एक लेवल तक चली जाती है। तो अब जो भी फ्यूल इसके यहाँ तक के लेवल तक होगा वो होगा फ्यूल टैंक के अंदर, और जो इस पाइप के लेवल के नीचे जो भी फ्यूल होगा वो होगा सारा रिजर्व फ्यूल। तो एक मान लीजिए अगर इतनी लंबी पाइप लगी है तो इस पाइप के ऊपर ऊपर तक का, क्योंकि इसके थ्रू आएगा सारा का सारा, इस वाले पॉइंट के थ्रू सारा का सारा फ्यूल उस वाले पाइप के ऊपर के लेवल तक का ही फ्यूल आएगा। उस पाइप के नीचे लेवल तक का तो फ्यूल आएगा नहीं। तो जो भी पाइप के लेवल का ऊपर का फ्यूल है वो फ्यूल टैंक के, मतलब फ्यूल टैंक के अंदर है। और जब आप इसका स्विच कर देते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पे दो और होल है, उन दोनों होल के थ्रू फिर रिजर्व वाला फ्यूल आता है। तो यहाँ पे एक स्विच के लिए ऑप्शन बना होता है, इसको आप इस तरह से घुमा सकते हो। तो जब आप इसको ऐसे घुमाते हो तो जो सप्लाई है वो इधर से हटकर इधर अंदर वाले पॉइंट से हो जाती है, और फिर इस वाले वॉल के थ्रू बाहर निकलता है वो फ्यूल, और यहाँ से एक पाइप लगी होती है जो कि जाती है कार्बोरेटर के अंदर। तो अभी तो ऊपर से बताया, आप इसको खोलते हैं धीरे धीरे करके। तो ये है कंटेनर जिसके अंदर आ जाता है सारी की सारी कचरा जो भी होता है वो इसके अंदर आके फंस जाता है। मोस्टली जो भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होते हैं मिट्टी जैसे, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, तो मिट्टी इसके अंदर आके फंस जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर लगी होती है एक जाली। बताता हूँ कैसे लगी होती है ये जाली। ये जाली कुछ इस तरह से लगी होती है, तो जो भी फ्यूल आता है वो डायरेक्टली पहले इस कंटेनर के अंदर आ जाता है, और उसके बाद इस कंटेनर में, क्योंकि इस कंटेनर में थोड़ी देर के लिए फ्यूल रुकेगा अंदर की तरफ आके गहराई में, तो जो भी मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद ये वाला फ्यूल इस वाली जाली के थ्रू होता हुआ इस वाले पोर्ट में, जो जाली को अगर मैं हटाता हूँ तो एक पोर्ट आपको दिखेगा, ये वाला जो पोर्ट है इसके थ्रू बाहर निकल के आएगा इधर। इधर यहाँ पे वॉल्व बना हुआ है, ये जो वॉल्व है जो स्विच करता है, उसके बाद यहाँ से आने के बाद, क्योंकि यहाँ तक फ्यूल छन चुका है, उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद इस वाले पोर्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है वो वाला फ्यूल। ये काफ़ी पुराना है तो असलियत में आज की डेट में ऐसे नहीं दिखते, लेकिन अभी मेरे को यही वाला पार्ट मिला तो मैंने इससे दिखा दिया। ये है एक LML स्कूटर का, यहाँ पे अभी लिखा हुआ दिखा, यहाँ पे LML लिखा हुआ है। LML स्कूटर का है एक फ्यूल वॉल्व। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इसमें, जिसको आप मैकेनिकल ब्यूटी भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से क्योंकि एक लाइन बनी है इसके थ्रू फ्यूल आगे निकलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन होल है, एक होल जो है वो आ रहा है ऊपर के इस वाले पोर्ट से, दूसरा होल आ रहा है नीचे वाले पोर्ट से, और तीसरा होल है वो जो कनेक्टेड है वो इस वाले पोर्ट से, साइड वाले पोर्ट से। तो क्या होगा कि जब मैं इसको एक पोजिशन में रखता हूँ, इसमें जो बीच वाला पोर्ट है ना वो वाला इस वाले पोर्ट से कनेक्टेड है साइड वाले से, मतलब जो आउट की तरफ जाएगा, और यहाँ से दो इनलेट है। तो अगर मैं इसको एक साइड पे रखता हूँ तो इधर से पहले ऊपर वाले जो मेन वाला फ्यूल लाइन है जो ऊपर फ्यूल टैंक से आ रहा है उसको और इसको कनेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरफ पोजिशन में दे देता हूँ तो वो इसको और इसको कनेक्ट कर देता है, मतलब रिजर्व वाले को और इस आउटपुट को कनेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फ्यूल आएगा उसके ऊपर लाइन को चेंज करना है। अगर मान लो फ्यूल ऊपर वाले मतलब फ्यूल टैंक से लेना है तो वो इन दोनों पोर्ट्स को जोड़ देगा, और अगर आपको नीचे रिजर्व वाले से लेना है तो इसको आप घुमा दीजिए, आपके इन दोनों वाले ये दोनों पोर्ट्स जुड़ जाएंगे और इस तरह से आपका नीचे वाले। तो मेरे हिसाब से मेरे को ये मैकेनिकल ब्यूटी लगती है, लेकिन बाकी अगर आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इतना सा है इसकी फंक्शनिंग। कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो पोर्ट्स है उसके थ्रू अंदर जाएगा फ्यूल और इस वाले पोर्ट के थ्रू बाहर आएगा,
इसके ऊपर इसका मॉडल नंबर भी लिखा है B403, शायद आप देख पाए, तो B403 इसका मॉडल नंबर है, POVNA पता नहीं क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, तो पता नहीं इसमें क्या क्या है, बहुत पुराना है। आजकल तो बहुत छोटे से आ गए, जितने में इसका सिर्फ इतना आधा पार्ट है, इतने में पूरे का पूरा ये फ्यूल वेल्व आ जाता है। और स्कूटीज में क्या लगा होता है, ऑटोमेटिक फ्यूल वेल्व होता है, और मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टैंक के बाद सीधा रिजर्व में आ जाता है, वो एम्प्टी वाला उसका काम कर रहा होता है अच्छे से, तो उधर दिख जाता है सब कुछ। अब ये आउटडेटेड सा हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को ये कंपोनेंट लगा, मैंने सोचा कि दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा कंपोनेंट आगे लाया जा सके अपने वर्कशॉप में, छोटी सी स्टूडियो में, और फिर आपको दिखाऊंगा उस कंपोनेंट के बारे में। अगर कोई सुझाव है तो वो दीजिए, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किया फेसबुक इंस्टाग्राम, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बने हुए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ और आपको ऐसी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए आप प्लीज बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, यही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए।